अगला सवाल भी कमेंट बॉक्स से ही लिया हुआ कि हम आर्सेनिक एल्बम 30 और कैम्फर को कैसे यूज़ करें। आप सभी जानते होंगे आर्सेनिक एल्बम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आज के समय में काफ़ी यूज़ हो रही है, क्योंकि ये कोरोना वायरस को प्रिवेंट करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो आर्सेनिक एल्बम एंड कैम्फर मेडिसिन की यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्त, आर्सेनिक एल्बम को जो लेना है इसकी आपने 5 बूंदें लेनी है और दिन में एक बार लेनी है 2-3 चम्मच पानी में सुबह में खाली पेट, और ये आपको 3 दिन तक लेनी है। ठीक है, दिन में एक ही बार लेनी है सुबह में खाली पेट, अगले 3 दिन तक आपने लेनी है, उसके बाद में मेडिसिन रोक देनी है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि 3 दिन में क्या होगा। देखिए दोस्त, अगर आप इसको ज़्यादा दिन लेकर यूज़ करेंगे, ठीक है, कई दिन तक आप इसको यूज़ करेंगे, तो आपके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जो भी आप मेडिसिन लेंगे होम्योपैथिक की और आपके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, आप उसको रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर देंगे तो जस्ट आपको 3 डेज ही लेनी है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है। पहली थी आर्सेनिक एल्बम। तो फैमिली में जितने मेंबर हैं आप जो है सभी को आर्सेनिक दे सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, सभी को 5-5 बूंदें ही देनी है। अब आती है अगली मेडिसिन जिसका नाम है कैम्फर 1 mg। ठीक है, 1000 पावर में, काफ़ी जगह 30 पावर में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि 1000 पावर में, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स का भी मानना है कि 1000 पावर में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमें इसकी एक ही डोज देनी है। तो कैम्फर 1 mg जो कि कपूर होती है, ठीक है, कपूर से बनी हुई मेडिसिन है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर कोल्ड कफ स्नीजिंग वाले, ये उसको थोड़ा सही करती है। तो इसको लेने का तरीका आप जान लीजिए, इसको केवल एक डोज लेनी है इस मेडिसिन की। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने आर्सेनिक एल्बम लेनी है, तो आप सबसे पहले कैम्फर 1 mg की एक डोज ले लीजिए। ठीक है, इसकी 4-5 बूंदें पानी में डाल के 2-3 चम्मच पानी में आप इसको ऐसे पी लीजिए। इसके बाद में जो अगले 3 दिन आप आर्सेनिक एल्बम ले लीजिए, बस होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन आपको इतनी यूज़ करनी है। ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे, तो मेडिसिन की प्रूविंग होनी शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैंने आपको इसमें बताया है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।